पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हुड्डा ने सरपंचों की मांगों को सही बताया और कहा कि सरपंचों पर दर्ज केस वापस होने चाहिए। इसी के साथ ही हुड्डा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की ओर से राज्य में 2 अप्रैल से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। कुछ जिलों की जैसे इन्होंने कहा, यमुनानगर के आसपास के जिलों की मीटिंग बुलाई गई थी वो कार्यकर्ताओं से साथियों से सलाह करने के लिए, क्योंकि पहले आपको पता विपक्ष आपके समक्ष यमुनानगर का पोस्टपोन हो गया था क्योंकि दिल्ली में रैली आ गई थी उसके कारण। तो सभी साथियों की सलाह से 2 अप्रैल को फिर से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे और विपक्ष आपके समक्ष 2 अप्रैल को यमुनानगर में हम करेंगे। निकालना चाहिए प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकार नहीं चला करती है। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।